गुरु जी, यदि कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है तो उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में क्या विधान दिया गया है कर्ज से उबरने का? वैसे ऋण जो होता है वो चार प्रकार का होता है, जिसमें देवी ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण। तो देव ऋण से मुक्त तो आदमी अपना साधना अनुष्ठान पूजन आदि तपस्या वगैरह करके देव ऋण से ऋण हो जाते हैं। पितृ ऋण से भी जातक के द्वारा संतानोत्पत्ति हो जाती है तो पितृ ऋण से भी ऋण हो गए। मातृ ऋण से आज तक ना राम ऋण हुए हैं ना कृष्ण ऋण हुए हैं, जो स्वयं विष्णु के अवतरित थे। गुरु ऋण, जो विद्या हमने आज सीखा है अपने गुरु जी से, वो अपने छात्रों में दान करने से गुरु ऋण से भी मुक्ति हो जाती है। भौतिक जगत में धनों के अभाव में लोग कर्ज में डूब जाता है। भौतिक सुख संपदाएं के लिए नाना प्रकार का ऋण अर्निंग कर लेते हैं, अर्जन करते हैं। इसमें मुख्य भूमिका मंगल ग्रह का होता है, क्योंकि मंगल जो है उतावलापन देता है, और उतावलापन देने के कारण रक्त का भी मालिक है तो रक्तचाप भी देता है। तो मस्तिष्क में सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए वो नाना प्रकार का ऋण अर्जन कर लेते हैं। इसीलिए एक स्रोत आता है जो व्यास का लिखा हुआ है, ऋण विमोचन मंत्र। यह 12 श्लोक है, 12 श्लोक है। नित्य उनका किसी मंगलवार से प्रारंभ करने से ऋण विमोचन मंत्र, मंगल ऋण विमोचन मंत्र स्रोत करके यह स्रोत है। उनका 12 आवृत्ति नित्य पाठ करने से वो भी क्या कहते हैं 21 दिन तक प्रत्येक दिन करने से, और कहा गया है जो वो भोजन बनाने वाला जो चूल्हा होता है उसमें जो कोयला होता है, एक आवृत्ति करने से एक खड़ी रेखा खींचेंगे, 12 आवृत्ति करने से 12 रेखा खींचेंगे, और उस रेखा को पुनः पाठ होने संपन्न करने के बाद अपने बाएं पांव के तलवा एरी जिसे कहते हैं एरी से उसको मिटा देंगे और हनुमान जी को प्रणाम करके ऋण से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो 21 दिन के बाद वो ऋण से विमुक्त होना प्रारंभ हो जाएगा। क्रमशः जो भी ऋण है वो क्रमशः जो है ऋण से विमुक्त हो जाएंगे।